गणित की विभिन्न ज्यामिति आकृतियां गणित की विभिन्न ज्यामिति आकृतियां जिसमें से एक ये है इस आकृति को कहते हैं घन। क्या कहते हैं? घन। गणित की इस ज्यामितीय आकृति को घन कहा जाता है। यह भी गणित की आकृति है, इसे घन कहते हैं। इसमें एक दो तीन चार, चार और चार आठ, आठ नौ दस ग्यारह और बारह, बारह भुजाएं होती हैं। भुजाएं कितनी होती हैं? बारह भुजाएं होती हैं और आठ शीर्ष होते हैं। एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ, आठ शीर्ष होते हैं, बारह भुजाएं होती हैं और छह फलके होती हैं। फलके छह, या दीवार, दीवार कहो या फलके कहो, छह फलके या दीवारें होती है। ये घन है आपका और ये आपका दो। ये आपका हो गया, ये आपका घनाभ है, इसे हम घनाभ कहते हैं, इसे हम घनाभ कहते हैं। ये घनाभ है आपका, इसे घनाभ कहते हैं। इसमें भी छह फलके या दीवारें होती हैं, बारह भुजाएं होती हैं और आठ शीर्ष होते हैं, आठ इसमें भी शीर्ष होते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं ये आपका बेलन है, इसे हम बेलन कहते हैं। सिलेंडर, ये बेलन है आपका, ठीक है। और ये आपका शंकु है, इसे हम शंकु कहते हैं, इसका नाम शंकु है, है ना। अब बेलन भी आपके दो प्रकार के होते हैं, इसको
खोखला बेलन कहते हैं, यह आपका खोखला बेलन कहलाता है, यह आपका खोखला बेलन है, ये बेलन, ये खोखला बेलन, ये शंकु, ये घनाभ, ये घन। और अब इसके बाद हम आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहे हैं जिसका नाम है गोला फेंक। गोला आपने फेंका ही होगा, लोहे का बना रहता है, बिल्कुल सॉलिड, ये आपका सॉलिड है, एकदम ठोस, ये आपका गोला, इसे हम गोला कहते हैं, ये आपका गोला है। और इसी का अगर आधा कर दें हम, जैसे ये गोला है ना, और इसी को आधा कर दिया जाए, जैसे यहाँ से इसको आधा कर दिया, काट के हमने इसको आधा कर दिया, ये भी गोला है, ये अर्ध गोला, इसको अर्ध गोला बोलेंगे, ये आपका अर्ध गोला कहलाएगा, ये आपका अर्ध गोला, अर्ध गोला, ये आपका अर्ध गोला है। और इस प्रकार की आकृति को छिन्नक कहा जाता है, छिन्नक, इस प्रकार की आकृति छिन्नक कहलाती है।